सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरटीवी ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आज का जो वीडियो है राजघाट पुल के ऊपर है, तो इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। तो ये 3 मिनट का ही वीडियो है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नॉलेजल वीडियो है, नॉलेजबल है, तो आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कॉमेंट कीजिएगा। तो हमें इंतज़ार रहेगा और हमारे वीडियो को आप लोग इन्जॉय कीजिए और फॉलो कीजिए। आपको बता दें कि इस समय हम पूजावाद और ये हम नीचे से इसकी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ताकि पूरा अच्छे से ये कैमरे में आए। बता दें आपको कि राजघाट पुल बन करके रेडी हुआ जब ब्रिटिश काल यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में, इसे अंग्रेज़ों ने ही बनवाया था। सन 1887 ईस्वी में बन करके रेडी हुआ था, तब अंग्रेज़ों ने इसका नाम रखा था डफिन पुल, और इसे डफिन पुल के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन इसके बाद वहाँ से जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद वहाँ से लोग पैदल आने जाने के लिए भी ये रास्ते खोल दिए गए, और वहीं से हमारे बनारस हमारे शहर में व्यापार करते थे और माल का आयात प्रयात होता था, आना जाना वहीं से होता था। तो इस पुल का नाम मालवी पुल रख दिया गया, क्योंकि वहाँ से व्यापारी लोग हमेशा आते जाते थे। उसके बाद हमारे जो बनारसी लोग हैं वो इसका नाम चेंज कर दिए और इसका नाम रखें राजघाट, और आज भी हमारे बनारस के लोग इसे राजघाट पुल के नाम से ही जानते हैं। और इसके जो नीचे वाली है ब्रिज, वहाँ से रेलवे लाइन गुजरती है, और ख़ास तौर पर ये जब बनाया गया था तब ये रेलवे लाइन के लिए ही बनाया गया था। बाद में इसे आने जाने के लिए और माल वगैरह आयात निर्यात करने के लिए, इसे पैदल आने जाने के लिए लोग खोल दिए इस रास्ते को, लेकिन बाद में इसमें बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वगैरह जाने लगी, जिससे बहुत ज़्यादा अब जर्जर हो चुका है। लेकिन अब इसमें मरम्मत भी हुआ है, लेकिन फिर भी बड़ी गाड़ियाँ अब नहीं जाती हैं, उसे रोक दिया गया है। तो इसमें हम पूजावाद हैं और इधर भी काफ़ी घनी बस्ती है, और लेकिन हम यहाँ पे घाट है, और इस तरफ का जो घाट है वो कच्चा घाट है, अभी सीढ़ियाँ वगैरह नहीं हैं, और फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत होता है जो। और हम आ चुके हैं अब ऊपर, तो ये चल रहे हैं हम पड़ाव की साइड। तो अभी हम पुल के बीचों बीच हैं। जब ये पुल बन करके रेडी हुआ था तब ये पुल ऐसे सिल्वर कलर बिल्कुल नहीं था, ये ब्राउन कलर में था, लेकिन अब ये सिल्वर कलर में हो गया है, जो काफ़ी सुंदर लगता है और दूर से देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हम गंगा के बीचों बीच और हम चल रहे हैं पड़ाव के साइड नीचे। और बता दें कि अब इसके ठीक जस्ट बगल में एक नया पुल का निर्माण होने जा रहा है, जो कि उसका हम जल्द ही अपडेट लाएंगे, उसे उसके ऊपर भी एक नई वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके ऐड कर लीजिएगा। और वो जो पुल बनेगा बिल्कुल राजघाट के हिसाब से ही बनेगा और इसी के आधार पर बनेगा, उसके भी नीचे से रेलवे लाइन रहेगी और ऊपर से सड़कें रहेंगी।